अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एबीबी इन्वर्टर के बारे में। ये इन्वर्टर है हमारा एबीबी, और इसमें फॉल्ट जो था वो डेड था। ये इन्वर्टर डेड हो चुका था जब हम सप्लाई इसको दे रहे थे, तो सप्लाई इन होने के बाद इसकी रिले लैच नहीं हो रही थी और सप्लाई बिल्कुल डेड पड़ी हुई थी। इन्वर्टर बिल्कुल डेड हुआ हुआ था। ये हमारा इन्वर्टर है 37 to 30 किलो वाट का। ये हमारा इन्वर्टर है, आउटपुट मोटर इसकी है 30 किलो वाट की, ठीक है। अब इसमें फॉल्ट किस नौयत के आते हैं? इसमें ग्राउंड फॉल्ट आता है, इसमें ये डेड हो जाता है, ये ओवर करंट में आता है, ओवर लोड के ऊपर जाता है, और डिफरेंट टाइप के और फॉल्ट आते हैं जो आपको एक्सपीरियंस में पता चलेंगे। अभी ये जो हमारा इन्वर्टर था, ये इन्वर्टर हमारा डेड था। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर इंटरनली जहाँ पे ये फॉल्ट जनरेट होता है, डेड का फॉल्ट जहाँ से क्रिएट होता है, उस सेक्शन को मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। अभी ये कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी ये ऑन है, बिल्कुल ऑन कंडीशन में है। ये इसके हर्ट्स वगैरह सारी डिटेल्स आ रही है, एम्पियर हर्ट्स। जब हम इसको रन करेंगे, अनेबल करेंगे, तब ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में मेंशन करेगा। अभी मैं इसको चला के नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इंटरनली इसका बॉडी दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये इन्वर्टर आपको रन करके दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहे। अभी मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखें, ये मैंने पावर ऑफ कर दिया इसका। अभी ये 2 मिनट बाद डिस्प्ले हट जाएगा। ये रिले कट ऑफ हुई और इन्वर्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये देखें, ये इसका मैसेज आ गया, ड्राइव नॉट रिस्पॉन्ड, देन ये ऑफ हो गई। ये हमने सबसे पहले इसका कीपैड निकाला है। कीपैड निकालने के बाद उसके बाद ये मैंने कवर ओपन किया हुआ है। ये इसका कंट्रोल बोर्ड है, इसमें भी फॉल्ट आते हैं, कम्युनिकेशन फॉल्ट आते हैं, और इसकी मूव बस में नहीं जा रहा होता, और डिफरेंट टाइप के इसके अंदर फॉल्ट आते हैं। यहाँ से इसके रेफरेंस दिए जाते हैं, ये रेफरेंस सिग्नल है यहाँ से, और ये ग्राउंड टू इज कॉमन, ये इसके सिग्नल्स हैं, और यहाँ से ये अनेबल्ड होता है यानी रन करने के लिए, और ये इसके एड्रेस सेक्शन है, ठीक है। अभी मैं ये ओपन कर रहा हूँ। ये इन्वर्टर अब हमारा ओपन हो रहा है। ये इसका एक जैक है, ये एक जैक है, और ये एक जैक है। ये 2 जैक इसके ओपन होंगे, फिर ये बोर्ड कंप्लीट। ये कम्युनिकेशन बोर्ड है हमारा, ये कम्युनिकेशन बोर्ड है, ये कम्युनिकेशन की केबल्स हैं, ये डिस्प्ले। तो दोस्तों, ये हमारा बोर्ड रेडी कंप्लीट ओपन हो चुका है। मैं आपको इस इन्वर्टर के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इन्वर्टर में कौन कौन से सेक्शन होते हैं जो हमारे रनिंग में डिफरेंट टाइप के जो फॉल्ट आते हैं। ये जो आप केबल्स देख रहे हैं, ये 2 केबल्स हैं, ये प्लस माइनस है ब्रिज रेक्टिफायर के। ये ब्रिज रेक्टिफायर का मॉड्यूल है इसके नीचे, सही है, और ये IGBT मॉड्यूल है। ये IGBT मॉड्यूल जो है वो UVW आउट करते हैं, यानी एक सप्लाई इसके अंदर इन होती है और ये अपना UVW बाहर निकालता है, यानी मोटर चलाता है। ये ब्रिज IGBT मॉड्यूल है इसके नीचे। ये हमारा कैपेसिटर बैंक है कंप्लीट, और ये हमारी स्विच मोड सप्लाई है, और ये ट्रांसफार्मर चॉप करा रहा है। स्विच मोड सप्लाई से ट्रांसफार्मर में सप्लाई आती है, देन ये चॉप करवाने के बाद मुख्तलिफ सेक्शंस में सप्लाई करंट फ्लो करवा देता है। ये हमारा फ़ैन का सिग्नल है यहाँ पे, ये सप्लाई जो बन रही है ये फ़ैन को रन करवा रही है, 24 वोल्ट का फ़ैन लगा हुआ है। अच्छा, फॉल्ट इसमें क्या आता है, ये मैंने देखें, ये IC चेंज ही है, ये डेड कंडीशन में था। ये स्विच मोड की IC है, UC3844 की IC है, जिसको मैंने चेंज किया और ये कैपेसिटर चेंज किया, देन हमारी स्विच मोड ऑन हो गई और कैपेसिटर चॉप हो गया, देन सप्लाई इजीली करंट फ्लो कर गई सारे बोर्ड के अंदर। यहाँ पे ही सेक्शन है, ये सेक्शन में कंट्रोल, इसका कंट्रोल वाला कनेक्शन होता है, और ये कंप्लीट टेस्ट करने के बाद, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहीं से सप्लाई हो जाए, हो सकता है पीछे सप्लाई बन रही हो, चॉप आउट होने के बाद मुश्किल कर रहा हो, कोई मसाले में चॉपर सप्लाई नहीं दे रहा हो, जिससे डेड कंडीशन हो जाती है, सप्लाई इन हो रही हो चॉपर में, चॉपर एक्टिवेट नहीं हो रहा, और भी बहुत मसले आते हैं। इसमें फॉल्ट आता है ओवर करंट का, ओवरलोड का, ये 2 CTs होती हैं, ये 2 CTs हैं जहाँ पे ओवर करंट, ओवरलोड वगैरह के ऊपर डिफरेंट टाइप के फॉल्ट होता है, और ये IGBT मॉड्यूल है। जब आउटपुट नहीं निकल रही होती या ओवर करंट में आ रही होती है या फायरिंग डिस्टर्ब होती है, ये ऑप्टो कपलर्स हैं जो गेट को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ये सब 24 वोल्ट के ऊपर एक्टिवेशन है।
तो ये सारा सेक्शन मेरे दोस्तों जो है एक इन्वर्टर के अंदर होता है, जिसके इसके बारे में हमें पता होना चाहिए रिपेयरिंग करने से पहले। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली बार मैं आपको कम्युनिकेट करके दिखाऊंगा ये, और फिर इसको हम रन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।